में जातीय गणना को लेकर नीतीश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने और जातिगत जनगणना शुरू करने की इजाजत देने की मांग की है। बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगा ये तय नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया था। 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रहे जातीय गणना को असंवैधानिक और गलत करार देते हुए अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी, लेकिन इसके बाद बिहार सरकार ने जातीय गणना मामले की जल्द सुनवाई के लिए फिर से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन 9 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से ये भी मांग की गई थी कि उसे जातिगत जनगणना का काम जारी रखने दिया जाए। इसका 80% काम हो चुका है और बाकी बचे काम को भी पूरा करने की इजाजत है। सरकार ने कहा था कि जातीय गणना का काम पूरा करने के बाद इसे सार्वजनिक तब ही किया जाएगा जब कोर्ट इसकी इजाजत देगा। वो लोग चाह रहे थे कि बस काम पूरा करने की इजाजत मिल जाए अभी फिलहाल, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया था। ऐसे में बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब देखना यह है कि कोर्ट के तरफ से मामले में क्या आदेश आता है। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।